Hi guys, I'm Parneet Kaur, your educator of English. Welcome you to an academy. Welcome you to my class. Guys, aaj hum discuss karein bahut hi important topic. This is last 25 days plan to qualify SSC CGL. आप जानते हैं 25 दिन बाकी हैं, तो हमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी कि भाई SSC CGL का एग्जाम हमारे अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाए और हम मेंस तक पहुंच जाएं, तो कौन कौन सी चीजों पे पूरा पूरा फोकस करना है और इन 25 दिनों को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है कि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपने जो पूरे साल की प्रिपरेशन की है उसका एक क्विक रिकैप आपको मिल जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका एक क्विक रिकैप आपकी प्रिपरेशन का हो जाए, जिससे आपकी मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे बूस्ट होंगे। तो जल्दी जानते हैं हमारा 25 डेज का प्लान। 25 डेज के प्लान को फॉलो करने से पहले गाइस, मैं आपसे एक सजेशन आपको दूंगी कि आप अपनी वीकनेस, अपने वीक पॉइंट को एक बार पहले रिकॉग्नाइज कर ले। वीक पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कई स्टूडेंट की रीडिंग अच्छी नहीं होती है, कई स्टूडेंट के वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए, मैथ्स की चाहे हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपको अपने वीक स्पॉट्स पता होने चाहिए कि यार मेरे वीक पॉइंट्स हैं और इनको मुझे इस पे मुझे काम करना है। ठीक है, क्योंकि हम जब प्लानर बनाते हैं तो हम कुछ कुछ चीजों में पहले इसमें फोकस करते हैं, कभी इसमें, मतलब जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके कमजोर हैं, उसको आपको इन 25 डेज लगातार लेकर चलना होगा ताकि उनकी वजह से आप अपने मार्क्स को लूज ना करें। इंसान को अपने स्ट्रेंथ पता होती है, मगर अपनी वीकनेस को भी पता होना चाहिए। जब आपको आपकी वीकनेस पता होगी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि यार मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, बार बार जो मार्क्स गलत हो रहे हैं, तो आप कैसे मार्क्स को बूस्ट कर पाएंगे, कैसे मार्क्स को ऊपर करेंगे। तो आप इस बात को थोड़ा सा एक बार बैठे, थोड़ा सा एक आधा घंटा दे इस पे और इसको नोट डाउन करें कि मेरे वीकनेस कहाँ है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, उसको नोट डाउन करें, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को। अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर वाइज वीक पॉइंट्स फाइंड आउट करने की, यार मेरा ना प्रेपोजिशन ठीक नहीं है, प्रेपोजिशन में मैं गलत करता हूँ, आप प्रेपोजिशन में गलत करता हूँ, मगर कौन से प्रेपोजिशन में गलत करता हूँ, फिक्स प्रेपोजिशन में या आपके बेसिक्स प्रेपोजिशन में, मेरे नाउन्स अच्छे हैं मगर नाउन्स में मेरे कहाँ पे कमी है, सिंगुलर प्लूरल में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना, सिंगुलर प्लूरल मेरे अभी क्लियर नहीं है, मैं बार बार उसमें गलती कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स को लगेगा अरे यार मेरे एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्लियर नहीं, मैं दोनों में कंफ्यूजन होता, तो आप जितना उसको डिटेल में लिखेंगे ना गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, उतनी ही आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। आप पहले जाने कि आपकी वीकनेस क्या, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप टॉपिक्स सब मतलब चैप्टर वाइज पिक करें, चैप्टर को पिक करें, चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार गलत करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो है हमसे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी को, स्पेशल में पढ़ रहा है कोई, हमारे प्लस के बैचेस में है, तो आप लोगों को हमारी क्लासेस का एक्सेस है। अगर आपके वीक टॉपिक्स हैं कि मुझे नहीं आता, आपको फिर उन टॉपिक्स पे फोकस करना है, मगर आप लोग साथ सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ऐसा टॉपिक है। जैसे कि आप वो कई स्टूडेंट को यार कंडीशनल्स में मैं बार बार गलत कर देता हूँ, यार प्रेजेंट मतलब सेमी क्लोज को क्लोज कंडीशनल समझ करके मैं गलत टेंस लगा देता हूँ। अच्छा, कई स्टूडेंट्स के वर्ब और टेंसेस का बेड़ा गर्क हुआ होता है, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा होता कि मैं यहाँ पे टेंस कौन सा लगाना है। आप जानते हैं यार ये वाले मैं फ्यूचर परफेक्ट में कंफ्यूज हूँ, या मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कंफ्यूज हूँ कि विल हैव प्लस v3 कब लगता है और आपका हैव प्लस v3 कब लगता है, विल हैव बीन आपको कंटीन्यूअस जब लगाना होगा, विल हैव बीन नहीं लगे सॉरी, ठीक है, तो कंटीन्यूअस टेंस में अगर लगाना होगा तब मैं क्या लगाऊंगी, विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो क्या लगाएंगे। तो अगर आपको ये चीजें आप कर लो, मैं आपको बता रही हूँ आपके प्रिपरेशन के जो 25 दिन हुए ना, आपको पूरी क्लैरिटी दे देंगे कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ गड़बड़ होती है, और उसको पकड़ो और उसको सॉल्व करो। तो सबसे पहला काम आपको 25 डेज में मुश्किल से 2 घंटे या मैक्स 3 घंटे लगेंगे, और आप अपनी सारी कमियों को एक कॉपी में नोट डाउन करें, वो कर लिया आपने ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएगा। और ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए कहूंगी कि आप पहले नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे फिर आप बैठ के इन 25 डेज में उस पे भी धीरे, आपको बाकी सारी चीजें भी पढ़नी आई अग्री, मगर आप उसमें छोटे 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 टॉपिक्स में अगर आपने उसमें आधा घंटा भी पर डे का दे दिया, आप उसको टिक करते जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट जैसे जैसे रिविजन और क्लियर होते जाएंगे, मैं श्योर कह दूंगा आप लोग जो मिस्टेक्स करते हैं मॉक में,
वो आपकी कम होने लगेगी। जब आपकी मिस्टेक्स कम होने लगेंगी आपका स्कोर ऑलरेडी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो इस काम को पहले करें, सबसे पहले आज बैठेंगे, अगर आप जब भी वीडियो देखेंगे उसके जस्ट सारे काम को छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें, उस बाकी सब काम को छोड़ दो। ये मत सोचो मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये टारगेट पूरा, सब काम को छोड़ो, 2 घंटा अपने आप को दो और बैठ के लिखो कि यार ये गड़बड़ है, ये कमी है, यहाँ पे फंस रहा हूँ, यहाँ पे। आपने पूरा सिलेबस किया, आपको पता होगा कि कहाँ पे आप कमजोर हैं, कहाँ पे कौन से टॉपिक्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने अगर वो काम कर लिया तो एक मानिए मेरी बात, आपका एक तरह से आप पूरा रिवाइंड कर रहे हैं अपने सिलेबस को, अपने दिमाग, सबसे पहले तो पूरा जैसे जैसे सारा सिलेबस आपके दिमाग से रिवाइंड होगा तो आपको चैप्टर्स की एक एक टॉपिक्स पे आप फोकस करोगे तो आपको याद आ जाएगा और आपको आपके कहीं ना कहीं क्विक रिविजन, वो 2 घंटे में आप पूरे ग्रामर पूरे रिविजन मार लोगे, मैं सही बता रही हूँ। तो पहले इसको करो, बहुत अच्छा तरीका है, आज बैठ के कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपको करना क्या, आपको पता है इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रामर में है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में मैंने आपको सजेशन जो दिया है उसको फॉलो कीजिए, और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन जो मैं आपको 25 डेज में दूंगी, आप जानते हैं कि बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं, आप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जितने सारे आपके चैप्टर्स हैं उसमें से आप सब चैप्टर्स के एटलीस्ट मैं कहूंगी 50-50 क्वेश्चंस कोई भी बुक उठा लो, कोई भी आपको लगता है जो भी बुक है, उस हर चैप्टर को आप उसके 50-100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें सारे चैप्टर्स। वो तो आपको करने ही करने हैं, तब जो वीक वाली बात है वो तो अलग है, मगर आप हर चैप्टर के हर 50-100 क्वेश्चंस आप एक बार उसको प्रैक्टिस करो, और आपको प्रैक्टिस करने समय पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो आप एक तरह से प्रैक्टिस के साथ अपने चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे। क्या होता है ना, इस बात को आप शायद समझोगे कि ग्रामर में इतनी सारी चीजें, इतने सारे रूल्स हैं कि आप भूल जाते हो। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपने नोट्स जो आपने मेरी क्लास में बनाए हैं उसका चैप्टर पहले तो आप रिविजन करो। फर्स्ट आपका प्रोसेस ये है, मैं उल्टा लिख दी हूँ, सेकेंड ये है, पहले आप पूरी बुक पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन, मतलब रिवीजन का मतलब है आपको बैठ के रटना नहीं है, आप उसको दो एक दो बार देख लो, आप उसको रिवाइज कर लो और उसके 50 से 100 क्वेश्चन करो। मुझे पता है कि आपको ये लग रहा होगा मैम मॉक करना है, मॉक करना है, मॉक करना है, मॉक करना है, मैं जानती हूँ, मगर मॉक में तब आंसर दे पाओगे ना जब आपको आता होगा कुछ, भूल चुके हो तो फिर तो गलत ही आंसर दोगे, फिर तो नंबर ही कटवा रहे होगे। 50 से 100 क्वेश्चन, मैं ज्यादा नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही तुम 200, 300, 250 क्वेश्चन लगाओ एक चैप्टर पे, मत करो, मगर एक बार आप उन चैप्टर्स को 25 दिनों में एक एक बार जरूर खोलें। मुश्किल से आपको इसमें 30 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि आप सब पढ़ के बैठे हो यार, है ना। आपको उस चैप्टर को रिवीजन करने में 15 मिनट्स लगेंगे, 15-20 मिनट्स, और ये 50 क्वेश्चन आप 10-15 मिनट, 10-15 मिनट भी चलो ठीक है नहीं, मगर आप 15-20 मिनट में आप उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आपने चैप्टर रिवाइज किया है, आप पढ़ चुके हैं, आपके क्विक 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 सॉल्व हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कंफ्यूज हुआ हूँ, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे, अपने वीक वाले पॉइंट्स में भी डाल दोगे, ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, मगर आपको ये करना पड़ेगा, दिस विल हेल्प अ लॉट। और इन जब रिविजन्स के टाइम पे आपको ये कुछ नजर आए कि यार ये टॉपिक ना मैं भूल रहा हूँ, मतलब ये कैसा रूल है, या मैंने पहली बार पढ़ा है, या कैसा रूल है, ये कैसा पॉइंट है जो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, या मैंने इसमें मैंने गलती, आप ना उसकी एक अलग से नोटबुक बना, है ना, बस उस छोटे से पॉइंट को इतनी सी एक लाइन में लिख दो, जिसको आप लोग एग्जाम के 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले सिर्फ उसी को खोलोगे और कुछ भी नहीं करोगे। आप इस काम को 20 डेज में कर लोगे, आपने पर डे में एक चैप्टर, पर डे आपने एक दो चैप्टर कर लिया बहुत होगा, बहुत छोटे चैप्टर्स में, बहुत बड़े चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर्स में टाइम लगेगा, कुछ चैप्टर्स में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको बैठ के समझना थोड़ी, आपको तो सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। तो ये करो आप पूरे ग्रामर में, आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी कहाँ कहाँ कमजोरी है। आप जानते हैं ग्रामर में बहुत से, ग्रामर को अगर मैं डिवाइड करूं तो सम पार्ट इज लर्निंग, सम पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का काम आप कर चुके हो, लर्निंग भी आपने करी हुई है, बट आप भूल रहे हो थोड़ा थोड़ा, आप भी जानते हो कि मैं कुछ कुछ चीजें भूल जाऊंगा, मेरे दिमाग से निकल गए, प्लीज उसको रिफ्रेश करके जाइए। आप अधूरी वो जो चीजें भूल गए हो फिर एग्जाम में बैठ जाओगे कोई फायदा नहीं। आप मॉक्स कर रहे हो आई एग्री, बट आप भी जानते हो बहुत अच्छे से कि बहुत सारी चीजें आपके माइंड से स्किप हो चुकी है, आप इसको बिल्कुल मत गलती की, बस ये काम कर लो गाइस, आप देखोगे कि आपका स्कोर जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जितना आपको मॉक में स्कोर कर रहे हो वो तो आ ही रहे, आप ये एडिशनली स्कोर बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो है आपका वोकैब, वोकैब में आप जानते हैं आपके सिनोनिम्स हैं,
एंटोनिम्स है, इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर आपके फ्रेजल वर्ब्स या फिक्स प्रेपोजिशन में कह सकते हैं, ये आपके इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है, और स्पेलिंग्स में इसको यही लिख देते हैं, ठीक है। आप जानते हैं वो कैप में आपके कम से कम चार क्वेश्चन ये आएंगे, दो ये आएंगे, दो ये आएंगे और दो ये आएंगे, ठीक है, तो ये आपके चार ये और आपके छह क्वेश्चन इस फिक्स प्रीपोजिशन मिक्स में आ जाते हैं, बट फिर भी मैं मोटा मोटा 10 वर्ड्स को तो मैं मानती हूँ कि ये तो कंफर्म है, इतने तो आएंगे ही, 20 आपके मार्क्स की वोकैब आएंगे, 20 मार्क्स की वोकैब, प्री में वोकैब का बहुत बढ़िया रूल है। अब आप देखो अगर आपकी वोकैब गड़बड़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी वोकैब नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहले ना आप काम कीजिएगा इडियम्स को पकड़िएगा, अगर आपको वोकैब 25 दिनों में वोकैब को या स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप इडियम्स को पकड़िएगा, ये बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, इडियम्स और स्पेलिंग्स, सबसे पहले इडियम्स और स्पेलिंग्स कर लो, क्योंकि ये क्या है बहुत जल्दी होंगे आपका 10 में से 4 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, इडियम्स क्विकली हो जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता, मेरी बैच देख लीजिएगा, मैंने पूरे इडियम्स एंड फ्रेजेस 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए हैं, आप एक बार भी वीडियो देख लोगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे ट्रिक्स से करवाए, ठीक है, बैच में जाके इडियम्स एंड फ्रेजेस या आपको वोकैब की बहुत सारी बैचेस हैं, रिकॉर्डेड बैचेस आप देख जाकर। थर्ड आप फोकस कीजिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है, थर्ड आप फोकस कीजिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि ये सब कुछ एक तरफ, सिनोनिम एंटोनिम एक तरफ, सिनोनिम एंटोनिम की कोई लिमिट नहीं है, अथाह है, अगर वन वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस स्पेलिंग्स आपको पता है मोटा मोटा ये वाला आ ही जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको फोकस कीजिए। आप बोलोगे मैम सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ दो, नहीं, इसको साथ में चले, ये फोर्थ नंबर नहीं है, ये आपका साथ में चले, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिनोनिम एंटोनिम पढ़ो, आप वन वर्ड आप स्पेलिंग्स कर रहे हो तो भी साथ में सिनोनिम थोड़ा सा सिनोनिम एंटोनिम पढ़ो, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तब भी थोड़ा थोड़ा सिनोनिम एंटोनिम पढ़ो, जितनी आपकी क्षमता, जितना पढ़ सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो, ये नहीं, ये फोर्थ नहीं है, ये आपका सबके साथ है, ये प्लस है ना, idioms and places plus synonym antonym spellings fixed preposition plus synonym antonym one word substitution plus synonym antonym, आप इस तरीके को फॉलो कीजिए तो आपको कम से कम आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंचते जाएंगे, एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंचते जाएंगे, पूरी जिंदगी पूरा मतलब आपके 25 दिन एक ही टॉपिक पे मत झोंक दीजिएगा, आपको देखो क्वेश्चंस तो उतने ही आने हैं, दो ही क्वेश्चंस आने हैं, एक टॉपिक से सिनोनिम से दो, एंटोनिम से दो, इडियम से दो, वन वर्ड से दो, फिक्स स्पेलिंग से दो, जनरली ज्यादातर मेथड ही है, अब ये हो सके कि एसएससी जो है कुछ आपका ऊपर नीचे करे उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, बट जनरल प्रोसेस तो आपका जनरल जो फॉर्मेट है पेपर का वो तो ऐसे ही रहता है, तो आप इसको फॉलो करके देखो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे कुछ 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 सब कुछ सब कुछ कुछ करके सब कुछ आ जाता है ना, तो सब कुछ आ ही जाएगा। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक, आप जानते हैं एसएससी जो है क्लोज टेस्ट पे, तो क्लोज टेस्ट तो आपको दे ही देगी, ये तो क्लोज टेस्ट दे देगी, और अब हमें नहीं पता कि पैसेज एसएससी जो है वो आपको प्री में देगी या नहीं देगी, मगर इसको सॉल्व करने में आप एक काम कीजिए, आप क्या कर रहे हैं मॉक्स कर रहे हैं, नहीं आप क्या कर रहे हैं ग्रामर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कैप की पढ़ाई कर रहे हैं, इसको ना एटलीस्ट इन दोनों को दो दो मिनिमम 2-2 पैसेजेस डेली आप कर, इसको डेली सॉल्व करो, 2 मिनट लगता है मुश्किल से, आप 2 मिनट में एक पैसेज क्लोज टेस्ट कर लेते हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, तो अगर आप 2 मिनट भी करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका क्लोज टेस्ट पैसेज हो गया, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको स्क्रीन तो दिख ही रही होगी, फिर भी क्लोज टेस्ट और पैसेज तो आप कर ही लेंगे, रही बात आपकी पीक्यूआरएस के, पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस जो हैं आप अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत टाइम ले ले रहा है पैराजम्बल मुझसे तो आप उसको नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, मगर आप क्योंकि टाइम टेकिंग होता है स्टूडेंट्स उसको ईगो में ना ले आपसे, आप इसको ट्रिक्स मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन बैच में पूरा सिखाया है कि आपको पैराजम्बल को कैसे सॉल्व करना है, तो ट्रिक्स के मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ट्रिक्स किससे ऑप्शन में आप लोग पेयर ढूंढेंगे और पेयर बना के इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसको डेली लगा लो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मिनिमम, अगर आप ज्यादा कर पाते हैं आपके पास टाइम है दैट्स रियली ग्रेट, बट अगर नहीं है टाइम तो ये तो आपको डेली करना है 25 दिन तक,
बिल्कुल छोड़ना नहीं, एक भी दिन नहीं। आप उसको प्लस कर लो, आप उसको 5 से 6 कर लो, आप उसको 10 कर सकते हो, बहुत बढ़िया। आप उसको 3 से 4 कर लोगे, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आई विल बी रियली हैप्पी, मतलब आपकी प्रिपरेशन भी ऑब्वियसली अच्छी बढ़ जाएगी। तो आप इसको करिए ना, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी नरेशन और वॉइस तो आप कर ही लेते हैं, उसमें कोई बहुत बिग डील नहीं है। नरेशन और वॉइस का कम से कम, नरेशन और वॉइस की कम से कम मैं कहूंगी दोनों के इंडिविजुअली 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। 100 से 150 क्वेश्चन तुम 1 घंटे में कर लोगे, 1 आवर में बहुत क्विक क्विक हो जाते हैं। तो इसको एटलीस्ट एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको जो कंफ्यूजन है वो, जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगे। इसको 100 150 क्वेश्चन दोनों के कर लोगे, काफी है, बथेरे, उससे ज्यादा आपको जरूरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, मॉक्स डेली लगाते जाइए, ठीक है। मॉक्स करते ही जाइए, आप लोगों को मॉक्स से इंप्रूवमेंट तो आएगी आएगी। तो ये सारे मेथड्स को फॉलो कीजिए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट अपने वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट कीजिए और उस पर काम कीजिए, एंड यू विल सी योर मार्क्स आर बूस्टिंग, आपके मार्क्स बढ़ रहेंगे। तो ये 25 दिन में आप अपनी पूरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। बाय गाइस, ठीक है।